हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है पल्सर 150 cc बाइक डिजिटल मीटर, और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसकी क्रैंक की फिटिंग की, कैसे इसकी क्रैंक को इसके चैम्बर में फिट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस बाइक की क्रैंक है और ये क्रैंक की रोड है जो हमने नई डलाई है, और ये इसके अंदर की साइड का बैरिंग और पिन हमने सब कुछ पूरा सेट इसमें नया डलाया है। इसकी रिपेयरिंग के बाद ये बैरिंग भी हमने नए डाले हैं इसकी फिटिंग करने के लिए। दोस्तों, इसके बैरिंग में हमें हल्का ऑयल डालना होगा, यानी कि मोलेल। ये देखिए, ऑयल इसमें डल चुका है। देखिए, ऑयल इसमें डल चुका है। इसके बाद इसकी क्रैंक को हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, क्रैंक यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों, जो इसकी पुरानी रोड है, ये देखिए, काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसकी क्रैंक जाम होने पर हमने इसकी रोड चेंज कराई है। ये देखिए, डैमेज हो चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल हम ऊपर की साइड इस पर डालेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस बाइक का गेयर बॉक्स है। गेयर बॉक्स की फिटिंग पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चैम्बर का पैकिंग है। पैकिंग को हमें यहाँ पर लगाना होगा। इसे लगाने के लिए हल्का एनाबोंड इस पर हम लगाएंगे। ये देखिए, ये एनाबोंड 698 है, इसे हम इस पर लगाएंगे। ये देखिए, एनाबोंड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके पैकिंग को हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। यहाँ का हिस्सा हम अलग कर देंगे। इसके बाद इसके पैकिंग के ऊपर की साइड हल्का एनाबोंड हमें लगाना होगा। ये देखिए, एनाबोंड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके क्लच के दूसरे साइड का चैम्बर है। इस चैम्बर को हमें, ये देखिए, ऐसे करके, ये जो आप क्रैंक का बैरिंग देख पा रहे हैं, इस बैरिंग को हमें इस होल में फिट करना होगा, और ये गियर बॉक्स की दोनों गरारियाँ यहाँ पर फिट हो जाएगी। इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। इसके बाद इसके दूसरी साइड से हमें इसके बोल्ट लगाने होंगे। ये देखिए, ये बोल्ट यहाँ पर लगा होता है, और 10 नंबर के टी हैंडल की सहायता से हम इसे काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद इसके दूसरी साइड से हमें इसके बोल्ट लगाने होंगे। ये देखिए, चैम्बर के दूसरे साइड का हिस्सा है। एक ये बोल्ट, ये 10 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगा होता है।
और 8 नंबर के ये बोल्ट दिए गए हैं। ये देखिए ये इसके सभी बोल्ट हैं, इन्हें हम यहाँ पर लगाएंगे और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इन्हें हम काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये 8 नंबर की टी हैंडल है दोस्तों। जो 50% 150% बाइक के क्रैंक की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।